नमस्कार दोस्तों, यह है एक हिरनी की कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में हिरनी जो कि गर्भवती थी और अपने बच्चे को जन्म देने के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढ रही थी। फिर वह हिरनी चलते चलते नदी के किनारे ऊंची और घनी घास की झाड़ी दिखाई दी, जिसे देखकर हिरनी को बच्चे जन्म देने के लिए उपयुक्त स्थान लगा। फिर जैसे ही वह झाड़ियों के बीच पहुँची, उसे प्रसव पीड़ा शुरू होने लगी और इसी बीच आसमान में घने बादल बरसने के लिए भी एकदम उतारू हो चुके थे और बिजली का भी कड़कना शुरू हो गया था, जिसे देखकर हिरनी घबराने लगी। और फिर उसे दाएं तरफ देखा तो एक शिकारी पहले से ही अपने बाण पर तीर लगाकर शिकार की तलाश में था। और फिर वह हिरनी बाएं तरफ मुड़नी चाही तो उसे पहले से घात लगाए शेर ने दिखाई दिया। इस प्रकार आगे भी जंगल में घासों के बीच आग लग चुकी थी और हिरनी के पीछे तो नदी का अथाह जल दिखाई दे रहा था। ऐसी स्थिति में वह मादा हिरनी चारों तरफ से अपने आते मौत से घिर गई थी। बेचारी मादा हिरनी ऐसी स्थिति में करती क्या, एक तरफ जहां प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी तो दूसरी तरफ चारों ओर से वह मौत से घिर गई थी। अब ऐसी स्थिति में क्या मादा हिरनी का बचना मुश्किल था। सामने भयंकर आग व पीछे नदी का बहता पानी जो कि उसको डुबाने के लिए काफी था। ऐसी स्थिति में क्या मादा हिरनी शेर के हाथों मारी जाएगी या फिर शिकारी के हाथों वह उसका शिकार बनेगी। अब ऐसी स्थिति में मादा हिरनी ने अपने आप को नियति के हवाले छोड़ दिया और सोचने लगी, जो भी होगा वह ईश्वर की इच्छा से ही होगा। फिर इसके बाद इन सब बातों से बेपरवाह होकर अपने बच्चे को जन्म देने में लग गई। फिर कुदरत का करिश्मा देखिए दोस्तों, जैसे ही शिकारी ने हिरनी के ऊपर बाण चलाना चाहा, उसकी आंखें बिजली की चमक से चौंधिया गईं, जिसकी वजह से उसका बाण निशाने पर ना लगते हुए शेर की तरफ घूम गया और इस तरह वह तीन शेर के आंखों में जा लगा, जिसकी वजह से शेर दहाड़ता हुआ इधर उधर भागने लगा। घायल शेर को देखकर शिकारी भी वहां से भाग लिया और इसी बीच जोरों से बारिश भी होने लगी, जिसकी वजह से घास में लगी आग भी बुझ गई और फिर आराम से हिरनी ने अपने बच्चे को जन्म दिया। और इस प्रकार हिरनी के सामने आई सभी मुसीबत एक साथ खत्म हो गए। तो देखा आपने किस प्रकार हिरनी अपने आई मुसीबतों पर ध्यान न देते हुए अपने कर्म में लीन रही और उस पर आई सब कठिनाई के क्षण एक साथ अंत हो गया। ठीक ऐसा ही हम सभी के जीवन में कई क्षण आते हैं दोस्तों, जिसमें हम खुद को चारों तरफ से कठिनाइयों से घिरा हुआ पाते हैं और ऐसी स्थिति में कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाते हैं। तब हमें ऐसी स्थिति में सब कुछ ईश्वर यानी भगवान की इच्छा मानकर उस पर ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन मृत्यु का निर्णय तो ईश्वर के हाथों में है, फिर हमें क्यों इन बातों की व्यर्थ में चिंता करनी चाहिए। क्यों ईश्वर जो भी करता है वो हमारे भले के लिए करता है, इसलिए हम ये हमेशा ईश्वर के निर्णयों का सम्मान करते हुए जीवन के पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। और यदि हम अपने जीवन पथ पर ऐसे ही आगे बढ़ते हैं तो कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो कि हमारे निर्णयों की प्रशंसा करेंगे। ऐसे लोगों से हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और दोस्तों कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कि हमारे निर्णयों की आलोचना भी करते हैं, तो हमें इनका भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो कि हमारी कमियों को गिनाते हैं। फिर इनसे सीख लेते हुए अपनी गलतियों और कमियों को सुधारा जा सकता है दोस्तों। इसीलिए कहा भी गया है दोस्तों, आपकी सकारात्मक सोच आपको कहीं अधिक शक्तिशाली बनाती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें और खुद को हमेशा सकारात्मक रखें, क्योंकि याद आपको अपने ईश्वर पर विश्वास है तो ईश्वर आपकी मदद जरूर करता है। दोस्तों कहानी कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइएगा और अपने इस राज को कृपया करके प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो मेरे सारे वीडियो आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली ऐसी अच्छी कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।